गैंग्स ऑफ बरेली पार्ट वन, संतोष गंगवार वर्सेस बेगम आबिदा अहमद, अकबर अहमद डंपी। सुना है समंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ले चलो कश्ती जिधर तूफान आया है। साथियों, किसी पेड़ की मजबूती इस बात से पता चलती है कि उसने कितने बड़े तूफान झेले हैं। बरेली के सांसद संतोष गंगवार जी भी उन्हीं पेड़ों में से एक हैं। मीरगंज के गाँव से ताल्लुक रखने वाले संतोष जी वकालत करने के बाद अपने चाचा पूर्व विधायक हरीश गंगवार की राह पे राजनीति में आए। उससे पूर्व संतोष जी की घंटा घर बरेली पे आयुर्वेदिक दवाओं की एक दुकान थी, जहां वो आज भी कभी कभी जाते हैं। चाचा के विधायक होने के बाद भी शायद ही उन्हें कोई बड़ा राजनीतिक फायदा मिला हो। उन दिनों जनसंघ के बड़े नेता होते थे डॉक्टर दिनेश जौहरी, पूर्व शहर विधायक। 1980 में जनसंघ से बीजेपी का उदय हुआ तो बरेली लोकसभा से एक उम्मीदवार देखा गया। जाति समीकरण व संगठन, जो कि बरेली बीजेपी में बहुत मायने रखता है, को देखते हुए संतोष जी को बरेली लोकसभा चुनाव 1984 का उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन सामने थी एक वीआईपी उम्मीदवार, पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद की पत्नी बेगम आबिदा अहमद, जिनका गांधी परिवार में इतनी पकड़ थी कि कभी राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद ने इंदिरा गांधी के कहने पर 1975 की इमरजेंसी लगाई थी। बेगम आबिदा अहमद एक बीवीआईपी कैंडिडेट थी, सो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की होड़ लग गई उन्हें जितवाने के लिए। नतीजन संतोष जी लगभग 50,000 वोटों से हार गए व दूसरे नंबर पर रहे। लेकिन इस चुनाव ने संतोष जी को सिखाया कि सिर्फ जातिगत समीकरण ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि बरेली में 14% कुर्मी आबादी थी, जो बरेली की सबसे बड़ी जाति आबादी है। 1989 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही संतोष जी कमर कस चुके थे और आरएसएस का संगठन भी बरेली में अपनी जड़ फैलाना शुरू कर दिया था। नतीजन संतोष जी ने बेगम आबिदा अहमद को लगभग 43,000 वोटों से हराया और प्रथम बार संतोष जी सांसद बने। लेकिन अभी तो असली तूफान आने वाला था, जिसका नाम था अकबर अहमद डंपी। जिन लोगों को मालूम ना हो उन्हें बता दूं, डंपी संजय गांधी के बचपन के दोस्त थे और कांग्रेस में संजय गांधी टीम या आक्रामक नेताओं में गिने जाते थे। डंपी जैसे नेताओं ने राजनीति में बाहुबल की शुरुआत की थी। सो अब 1991 में फिर लोकसभा का बिगुल बजा और बरेली अखाड़ा बन गया। डंपी और डंपी के समर्थक बहुत आक्रामक रहते थे। चुनाव प्रचार के दौरान मारपीट, पुलिस या सरकारी अफसरों को धमकाना आम बात थी। युवाओं में डंपी का इतना क्रेज था कि खुले बटन के कुर्ते का फैशन चल गया था। पोलिंग बूथों पर जम के झगड़े हुए, लेकिन संगठन, चुनाव मैनेजमेंट व जातीय समीकरण के बल पर संतोष जी ने लगभग 38,000 वोटों से डंपी को हराया। इसके बाद संतोष जी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और 1996, 1998, 1999 व 2004 जीते। 2004 में तो पुनः डंपी को हराया। अभी भी बरेली का हाई फाई वर्ग डंपी के साथ था, लेकिन 2008 में सपा के भगवत सिंह गंगवार के कारण जाति समीकरण बिगड़ा और संतोष जी कांग्रेस के प्रवीण सिंह एरन से मात्र 9,000 वोटों से हारे। खैर, 2014-2019 में संतोष जी मोदी लहर में फिर जीते। इस प्रकार लगभग 8 बार सांसद व कई बार केंद्रीय मंत्री संतोष जी अभी भी अखाड़े में डटे हुए हैं। कोई भी फरियादी खाली हाथ नहीं जाता, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो। अपने जानी दुश्मन तक के लिए लेटर लिखने में संकोच नहीं करते। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपका मित्र गौरव शर्मा।